कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास, इसको पेनिनसुलास की धरती बोला जाता है। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको अभी तक ये बात पता लग चुकी होगी कि हम यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहते हैं। ऐसा इसलिए है, अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो पूरा यूरोप छोटे और बड़े पेनिनसुलास से मिलके एक बड़ी लैंडमास बना हुआ है। अब ये पेनिनसुलास क्या होते हैं, आप बच्चों को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पता होगा। ऐसा कोई भी लैंडमास जिसके तीन तरफ से पानी होता है, यानी जिसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज होती हैं, उस बीच वाले लैंडमास को हम पेनिनसुला कह देते हैं। वर्ल्ड मैप पर आप देख लेना, ऐसी कोई भी धरती, ऐसी कोई भी लैंडमास जिसके तीन तरफ पानी है, उसका कोई ना कोई नाम होगा एज अ पेनिनसुला। ठीक है, जैसे आइबेरियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, ये सब मतलब ऐसी जमीनें हैं, ऐसी लैंड मासेज हैं ये, जिनके तीन तरफ से पानी होता है। आप मैप पर ये चीज कन्फर्म कर लेना। ठीक है, बात आती है पेनिनसुलास ऑफ यूरोप। तो आज के लेक्चर में मैं आपको यूरोप के पांच मेजर पेनिनसुलास के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखना, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं, अगर हम उसी दिशा में बात कर रहे हैं तो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम घड़ी की जो दिशा है उससे उल्टी दिशा में चलते हैं तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं आज का जो ये पेनिनसुलास का टॉपिक है, मैं इसको पांच पेनिनसुलास को डिस्क्राइब करूंगा, बट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से, इस दिशा में। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, नॉर्थ से। पांच पेनिनसुलास हैं यूरोप के मेजर, पांचों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो हैं जो नॉर्दर्न पोर्शन में है, उन्हें हम नॉर्दर्न पेनिनसुलास कहते हैं। नॉर्दर्न वाली कैटेगरीज में दो आते हैं और साउथ वाली कैटेगरी में तीन पेनिनसुलास आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ में मैप पर देखेंगे आप सॉरी पेनिनसुलास ऑफ यूरोप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले नाम आता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन मैं आपको पहले ही बताया था किसी लेक्चर में कि तीन कंट्रीज के ग्रुप को हम स्कैंडिनेवियन ग्रुप कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला अगर आपको ढूंढना है तो आपको इन्हीं कंट्रीज के पास देखना पड़ेगा। सबसे नॉर्थ में नॉर्वे और स्वीडन की जो मेन लैंड है, वहां पर जो पेनिनसुला है, हम इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कह देते हैं। इसके बारे में क्या लिखता है ये, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ यूरोप लोकेटेड इन द नॉर्थ, वर्ल्ड फेमस फॉर फ्योर्ड लैंडस्केप्स। इसके बारे में क्या लिखता है ये कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है यूरोपियन ग्रुप का। यूरोप के जो पांच पेनिनसुला से सबसे बड़ा कौन सा है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। और इसके जो फ्योर्ड लैंडस्केप्स हैं, आपको मैंने किसी वीडियो में बताया था लेक्चर में कि स्टीप साइडेड वैलीज के बीच जो वाटर बॉडीज हैं वो बहुत प्यारा व्यू क्रिएट करती हैं, बड़े प्यारे लैंडस्केप्स यहाँ पर मिलते हैं, उनको फ्योर्ड लैंडस्केप्स कहा जाता है। उसके लिए ये दुनिया भर में फेमस है। सेकंड नंबर पे आता है जटलैंड पेनिनसुला, बिल्कुल स्कैंडिनेविया के साउथ में आप देखोगे तो इसका नाम है जटलैंड पेनिनसुला। इसके बारे में लिखता है सेपरेट्स द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के सेंटर में अगर आप ये प्रोजेक्टेड लैंड देखोगे तो ये कौन सी लैंड है, ये दैट इज जटलैंड पेनिनसुला। अब ये दो पेनिनसुला थे नॉर्थ के, साउथ में चलते हैं तो साउथ में तीन पेनिनसुलास का एक ग्रुप है। सबसे पहले एक्सट्रीम वेस्ट में आप अगर आ जाओगे तो वहां पे देखोगे आइबेरियन पेनिनसुला, माउंटेनियस पेनिनसुला एसोसिएटेड विद द कंट्रीज ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ये दो देश हैं, जिन देशों की मेन लैंड के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये आइबेरियन पेनिनसुला। नेक्स्ट आता है इटालियन पेनिनसुला, इटली का जो पेनिनसुला है उसको हम इटालियन पेनिनसुला कह देते हैं। एक्सट्रीम साउथ में आप देखोगे, इसके बारे में लिखता है इट इज ऑल्सो नोन एज द एपिनाइन पेनिनसुला, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउदर्न एल्प्स इन द नॉर्थ टू द मेडिटेरियन सी इन द साउथ। इसको एपिनाइन पेनिनसुला भी कहा जाता है। इसको अगर आप मैप पे देखोगे तो इसकी शुरुआत होती है टांग की तरह की शक्ल है इसकी, जैसे इंसान की टांग होती है ना, वैसी शक्ल है इसकी। तो इसकी जो रूट है वो कहां पर है, साउदर्न एल्प्स में है, एल्प माउंटेन रेंज का नाम है जो साउदर्न यूरोप में है। ठीक है, वहां से ये शुरू होता है और नीचे किस वाटर बॉडी तक ये आता है, मेडिटेरियन सी तक आता है। तो यह है हमारा इटालियन पेनिनसुला। सबसे लास्ट बट इंपॉर्टेंट इसका नाम है द बाल्कन पेनिनसुला।
एक डेडिकेटेड वीडियो में इसके ऊपर खूब डिस्कस हमने किया था बाल्कन कंट्रीज के बारे में। तो बाल्कन पेनिनसुला क्या है, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न यूरोप, यूरोप के साउथ ईस्ट में देखोगे। डायरेक्शंस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साउथ ईस्ट का पता होगा। साउथ और ईस्ट के बीच में देखोगे, कहीं ना कहीं इस तरफ पर, इस डायरेक्शन में आप देखोगे अपनी वीडियो में, तो आपको ये मिलेगा। इसमें लिखता है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप बाल्कन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई द ब्लैक सी इन द ईस्ट। आप अपनी राइट हैंड साइड पर देखोगे, और अगर मुझे देख रहे हो तो आप मेरे आप इस तरफ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सी इन द ईस्ट। इसके ईस्ट में ब्लैक सी है, यानी आप इस तरफ देखोगे तो आपको बाल्कन पेनिनसुला के इस साइड में आपको कौन सा सी दिखेगा, ब्लैक सी दिखेगा यहां पर, ठीक है। और अगर आप साउथ में देखोगे तो साउथ में है मेडिटेरियन सी, और वेस्ट में इसके आपको मिलेगा एड्रियाटिक सी, ठीक है। ये तीन वाटर बॉडीज इसको कवर करती हैं फ्रॉम द थ्री साइड्स। तो ये कुछ पांच मेजर पेनिनसुलास थे यूरोप के। आप मैप के साथ इनकी स्टडी करोगे और एक हल्का सा ओवरव्यू आप इनके बारे में अपने दिमाग में फीड कर लोगे, और आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे।